हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, उसको करेंगे ओके। तो पिछले वीडियो मैंने समझाया था आपको क्वेश्चन नंबर 1, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, 1156 है। तो हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले सवाल का। सवाल में लिखा है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। तो जैसे हम पिछले सवाल में किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, सिर्फ हमें पता करना था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ बोल रहे हैं आप पता भी करो और जो आंसर निकलेगा उसको लिखो, मतलब हम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं उसको पहले देखेंगे और क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट उसका भी निकालेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर बोल रहे हैं आपको, ऑल्सो फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन इच केस, जिसका वो नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे मैंने आपको समझाया था ठीक है। तो 1156 निकालेगा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वो वैल्यू है, दैट मीन्स हमें वो उसका क्या पूछ रहा है, हमें स्क्वायर रूट पूछ रहा है ठीक है। तो वही हम निकालने वाले हैं। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर, तो क्वेश्चन उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, अब देख लो। पहला सवाल यही है 1156, ये हमें चेक करना है। तो हम प्राइम पैटर्न मेथड यूज़ करते हैं। तो 1156 मैंने यहाँ पर लिखा, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से लो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5। तो ये हो गया आपका 10, 15, 7, 2, 14 ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 ठीक है। आई थिंक आप सब समझ रहे हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे फिर दोबारा, क्योंकि यहाँ पर 8 है। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। मैं फिर से और भी बता दूँ, किसी को भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर समझना हो तो मेरे और एक चैनल के पास आप चले जाओ, मैथ विद अखिल सर ठीक है। वहाँ सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, यहाँ सिर्फ मैं अड्डे शर्मा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सारे इंट्रोडक्शन मैंने दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप 2 × 2 = 4 करो, कितना हो जाएगा 17। ये हो गया आपका कितना, 8। यहाँ पर करो देखो, 2 × 2 = 4 करोगे तो 5 − 4, मन में करना सीखो, ये सब साइड में करने की कोई जरूरत नहीं, मन में करो। यहाँ 5 है तो 2 × 2 = 4 होगा, माइनस करोगे तो क्या 17 हो गया, फिर 8 × 2 = 16, फिर कैरी 1 रहेगा, फिर 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 होगा ओके। अच्छा अब देखो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 3 से होगा नहीं बच्चों, 5 से भी नहीं होगा, आप करोगे डायरेक्ट 13 से ही होगा ये ओके। 13 से नहीं होगा, आई थिंक 17 से होगा ये। तो नेक्स्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो सारे नंबर आप चेक करो, किसी से भी नहीं होगा और डायरेक्टली आपको 17 से ही होगा ये। तो 17 से करो तो यहाँ पर 17 आएगा ओके। तो हमने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया। तो 1156 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 2 × 17 × 17 ठीक है। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 17 का पेयर बन रहा है। अब हमें यहाँ पर बोला उसका वैल्यू भी निकालो, ओके। ऑल्सो फाइंड द नंबर वो स्क्वायर इज अ गिवन नंबर इन इस केस। तो ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो कौन सा नेचुरल नंबर उसको हम पता करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था कैसे, जो 2 यहाँ पर है इसको जो आपने पेयर किया उसको आप 1 मानो 2, ये 17 है आप इसको 1 मानो 17, 2 है तो 1 मानना है। तो 2 × 7 कितना, 2 × 17 कितना हो गया 34। दैट मीन्स 34 का जो स्क्वायर होता है वो होता है बच्चों आपका 1156। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर आप सिर्फ लिख दो 34, और कुछ नहीं लिखना है। वो पूछ रहे ना कौन सा नंबर का स्क्वायर होगा, तो 34 का होगा स्क्वायर ठीक है। 34 को स्क्वायर करोगे 1156 निकलेगा। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, बिट 2। तो बिट 2 सवाल क्या है बच्चों, देख लेते हैं क्या है, 2025। तो हम निकालेंगे 2025 का निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। पहले परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं हम पता करते हैं, चलो निकालो इसको। सेम वही करना है आपको 2025 के साथ भी, ये 5 से आप करके देखो, 2 से तो होगा नहीं, 5 करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर 5 लिखो, 5 × 4 = 20, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 25 एक्साउट रहेगा, ये 5 हो गया। फिर आप इसको 5 से करो तो ये हो गया आपका 8, ये 1 हो गया। फिर आप डायरेक्ट इसको 3 से करो, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया, मुझे स्टार्टिंग से ही 3 से करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप उसको कर लेना 3 से पहले स्टार्टिंग ओके। तो यहाँ पर 27 होगा, फिर 3 से करोगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 3 हो जाएगा ओके। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा बच्चों तो मैं पहले स्टार्टिंग में वही लिख देता हूँ, क्योंकि 3 स्टार्टिंग में 3 आएंगे, स्टार्टिंग में आप करके देखो, 3 से करके देखो, स्टार्टिंग में 4 यहाँ पर 3 आएंगे ओके, 1, 2, 3। फिर उसके बाद 5 × 5 आएगा ठीक है, करके देखना ऐसे ही आएगा। तो चलो देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये सिटीज़ है परफेक्ट स्क्वायर। पहले आप इस ये चीज़ भी लिख दो यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो ये सिटीज़ है परफेक्ट स्क्वायर ओके। अच्छा अगर परफेक्ट स्क्वायर है
तो कितना वैल्यू होगा, ये हो गया 3 हो गया, 2 3 का 1 हम लिखेंगे इसको, यहाँ पर 3 का और एक पेयर बना यहाँ पर और 5 का और एक पेयर बना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा, 3 × 3 कितना 9, 9 × 5 45, तो यहाँ पर आंसर होगा 45। दैट मीन्स आप 45 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका निकलेगा 2025। ओके अच्छा, अब हम बढ़ते हैं तीसरा बिट हमारा। तीसरा बिट यहाँ पर क्या है, सवाल देखते हैं। 14641, 14641, तो हम सवाल लिख लेते हैं पहले। सवाल क्या है, 14641। ओके अच्छा, तो इसको सॉल्व करो। तो इसका हम प्राइम पेट से निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14641, ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अब करोगे, 2 से तो भाई होगा नहीं, 3 से ट्राई करो, 10 11 15 नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, तो किससे होगा, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कितना क्या है, 8 तो है नहीं, 9 नहीं, 10 11 है, तो 11 से ट्राई करते हैं कितना हो जाएगा, 33 33, ये हो जाए, हाँ ये 11 से हो जा रहा है बच्चों, 11 से हो जा रहा है। ओके तो 11 से करो, 11 वन से 11 करो कितना, 14 से 13 गया कितना, अब 11 अब 11 से डिवाइड करो, देखो ये कट जाएगा, तो 11 वन से 11 हो गया यहाँ पर आपका। ओके तो कितना बचेगा यहाँ पर बताओ मुझे, 14 से 11 गया कितना, 13, 36 हुआ, 36 को हम यहाँ 11 × 3 लिखेंगे, तो फिर 34 हो गया, फिर से 3 लो आप, ओके फिर से 3 लेने से कितना हो जाएगा, एक कैरी फिर से 11 हो जाएगा आपका, फिर से इसको देखो, ये 11 का क्यूब है, 1331 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 121, फिर से 11 से करोगे, नहीं 121 नहीं होगा आई थिंक, एक बार देख लेते हैं, 11 से इसको करेंगे, हाँ 11 ठीक है, 121 ठीक है, फिर यहाँ इसको 11 से करो, ये 1 आएगा। तो हम बच्चों लिख सकते हैं 14641 का, हम लिख सकते हैं 11 × 11 × 11 × 11, ठीक है। तो हमें सवाल में बोला है कि सो करके परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो उसका स्क्वायर निकालना है हमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 11 का हो रहा है, यहाँ पर 11 का हो रहा है, तो ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमने शो कर दिया क्योंकि यहाँ पेयर में कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है यहाँ पर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया आपका 11, ये हो गया आपका 11, तो इसका आंसर निकलेगा 121। इसका मतलब 121 का आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका होगा 14641। ओके तो आंसर होगा आपका 121 का स्क्वायर है वो। अब आते हैं थर्ड सवाल पे, बिट नंबर 3, सॉरी बिट 3 तो हो गया हमारा, बिट 4, 4761। तो सवाल है हमारा यहाँ पर 4761, तो इसको करेंगे भाई सेम मेथड अप्लाई करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं, तो सवाल है हमारा 4761, एक बार देख लेते हैं सवाल, ठीक है तो 4761, हाँ ठीक है हमारा 4761। तो इसको देखो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फॉलो करना है, तो 2 से तो होगा नहीं है, 3 से ट्राई करें, देखो तो डिजिट को सम करके देखो, 7 4 कितना 11 11 से 17, हाँ ये हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से करो इसको, तो 3 1 3 हो गया, फिर यहाँ पर 17 हो गया, देखो माइनस होगा, माइनस करोगे तो एक कैरी रहा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहाँ हम कितना से करें, 5 से करते हैं, फिर यहाँ पर आएगा आपको, आप आई थिंक समझ रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है 6 ये 14, ये हो गया आपका 21, ये कट जाएगा, 5 3 15 3 2 6, फिर कैरी रहा 5 2 9। ओके और फिर से हम ट्राई करें, 7 और 9 कितना होता है, 16, होगा नहीं ये, तो कौन सा नंबर से ट्राई करें, 3 से तो हो नहीं रहा है, 7 9 कितना होता है, 16 होता है, 16 तो है नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से ट्राई करें, 7 × कितना, तो हम किसे इसको ट्राई, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, ऐसे आप कर करके बच्चे जाओगे, 3 ऐसे करोगे तो लास्ट में आपको 23 मिलेगा यहाँ पर। ओके 23 23 दोनों हो जाएंगे। तो बच्चों आप ट्राई करो कि प्राइम पेट से मेथड से बहुत लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, आपके सारे प्राइम नंबर चेक करना होता है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन मेथड मैं आपको सिखा दिया हूँ ऑलरेडी, तो आप वो मेथड ट्राई कर लो, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ओके तो आप प्राइम पेटिशन मेथड को मेंशन कर दिया तो भाई आपको करना ही पड़ेगा, वो तो ज़रूरी हो जाएगा, अगर नहीं मेंशन किया है तो ये मेथड फॉलो करो, लॉन्ग ड्यूरेशन मेथड, ये इससे होगा। बट अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस चैनल पर नहीं बताया हूँ, मैथ विद अखिल सर ने बताया था कि हमें हमेशा लॉन्ग डिवीजन प्रीफर करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो, अगर क्वेश्चन में मेंशन ही कर दिया होगा ये मेथड फॉलो करो तो आप बाउंड हो करने के लिए, वो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसका आंसर को 3 पेयरिंग बन रहा है, तो ये तो हमने शो कर दिया परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, पेयर हो रहा है, अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 69, दैट मीन 69 का जो स्क्वायर होता है उसका वैल्यू होता है 4761। ओके आई होप आप समझ गए होगे।
तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे वीडियो यहाँ पर कर दिए हैं बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और जो भी नए बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दिया था कि पहले अगर आपको उसको डीपली चैप्टर को समझना है बच्चों, क्योंकि इसमें एडिशन में सिर्फ सवाल कराऊंगा, आपको समझाया कराऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह आप समझना चाहते हो चैप्टर को, तो जाके आप मैथ